शिवपुरी शहर के गांधी पार्क मैदान में हो रहा संगीतमय रामकथा एवं महान सत्संग समारोह मानव धर्म के परिणेता सदगुरु सतपाल महाराज के संत महात्माओं द्वारा गांधी पार्क मैदान में हो रहा सत्संग, जिसकी शुरुआत 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक ये रामकथा भागवत रामायण महाभारत आदि सत्संग के माध्यम से अवगत कराना है। इस कार्यक्रम को मानव उत्थान सेवा समिति के सदस्यों द्वारा महाआत्माओं की प्राथमिकता से संगीतमय रामकथा एवं महान सत्संग समारोह कार्यक्रम शुरू कराया गया, जहाँ महात्मा ज्ञान मुक्तानंद, महात्मा अम्बालिका माई, महात्मा धर्मावती बाई, महात्मा सुनिधि बाई, महात्मा उपासना बाई की उत्तराखंड हरिद्वार से, ये क्या लिखा है, उपासना बाई जो उत्तराखंड हरिद्वार से आए हैं। नाम क्या है और कहाँ से आए हो और ये क्या प्रोग्राम चल रहा है? मेरा नाम है महात्मा अम्बालिका बाई जी और हम सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के संत हैं और हम लोग अभी इलाहाबाद प्रयागराज से यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा आश्रम ग्वालियर में भी है, गुना में भी है, पूरे देश के अंदर में 10,000 के करीब श्री सतपाल जी महाराज जी के आश्रम है और उनका मूल उद्देश्य है कि इंसान अपने से जुड़ जाए, क्योंकि शरीर को चलाने वाला जो है वो शरीर के भीतर रहता है और जब तक वो भीतर है तभी तक ये शरीर चल रहा है, तो उसके साथ में हमारा संबंध जुड़ जाए। जोड़ने का काम संत करते हैं, जैसे बेटी बेटे का संबंध कौन जोड़ता है, पंडित आके जोड़ता है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा से मनुष्य को कौन जोड़ता है, संत जोड़ते हैं। तो इसलिए ये 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आज उस कार्यक्रम का दूसरा दिवस है, कल अंतिम दिवस होगा और केवल यहाँ सुनाया नहीं जाता बल्कि जो परमात्मा अंदर में है उसको प्रैक्टिकल दिखाया भी जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो 2 नेत्र हैं इनसे मेरा दर्शन नहीं होता है, तीसरे नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से पश्चिमे योगेश्वर मुझे योगेश्वर को देखिए कह रहे। तो जब भगवान कह रहे हैं कि इन आंखों से दर्शन नहीं होता है तो भगवान का आदेश मान के उस तीसरे नेत्र से दर्शन करना हमारा धर्म है। जो भगवान का आदेश माने वही भगवान का भक्त है और भगवान ने खुद ही कहा है सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई, जो मेरा आदेश मानता है वो मेरा भक्त है। तो भगवान के आदेश का पालन करना हम सबका धर्म है। ठीक भरत, जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है क्या कुछ कारण है? ये कार्यक्रम बेटे जो है सभी धर्मों का जो सार है, रामायण का सार, भागवत का सार, गीता का सार, सारे वेद शास्त्रों का सार, उसका निचोड़ हम 3 दिन में लोगों को कथा के माध्यम से, कथा क्या है, कथा तो सारी दुनिया कर रही है लेकिन राम ने कौन से नाम में मन को लगाया, राम ने भी पूजा की, वह कथा है जो राम जी ने अपने समय में लोगों को ज्ञान दिया, भगवान शंकर ने अपने समय में लोगों को जो ज्ञान दिया, भगवान कृष्ण ने, भगवान राम जी ने अपने समय में जो ज्ञान दिया वह उसी ज्ञान को कथा कहते हैं। कथा माने कोई पढ़ना नहीं है, कथा माने बेटे जो जिसमें मन लगाए। हमारा मन परेशान है, सारी दुनिया परेशान है मन के पीछे, तो मन का साधन है परमात्मा का नाम सुमिरन। मन प्लस आत्मा इजकल टू शांति, 2 + 2 = 4, मन प्लस आत्मा इजकल टू शांति। वो जो ज्ञान है उस ज्ञान की चर्चा 3 दिन में हम यहाँ कर रहे हैं कि राम जी ने कौन सा ज्ञान दिया अयोध्या वासियों को, शंकर भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया काशी के लोगों को, विष्णु भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया जो विष्णु पुराण में है। तो वो ज्ञान की चर्चा बेटे यहाँ 3 दिन के लिए हम कर रहे हैं और उस कथा का नाम उसमें डाला है, लेकिन मेन विषय है आत्मा का ज्ञान। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत्व पूजनम, आत्मज्ञान बिनु पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। जब तक तुम आत्मा को नहीं जानते अपने तब तक तुम्हारा सारा कर्म बेकार है अर्जुन। तो उस ज्ञान की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। निवास कहाँ से है? हमारा निवास तो हरिद्वार में है, हरिद्वार से हम लोग आए हैं, लेकिन हमारी बहनें यहीं रहती है, झांसी में रहती है, गुना में रहती है और शिवपुरी में भी रहती है, आती यहाँ सत्संग करते हैं। आज कौन सा दिवस था? आज तो दिवस तो कुछ नहीं, आज तो दिवस में त्रिदिवसीय संगीत में कथा का रखा गया है। कल क्या कुछ होने वाला है? कल जो है हम यहाँ पर उस ज्ञान की दीक्षा भी देंगे जिस ज्ञान की चर्चा हम कर रहे हैं। भगवान राम ने अपने समय में जो ज्ञान अयोध्या वासियों को दिया, शंकर भगवान ने जो ज्ञान
अमरनाथ की गुफा में पार्वती को दिया, जिस ज्ञान की चर्चा भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर में ज्ञान दिया और वृंदावन में उन्होंने राज किया, वो ज्ञान की चर्चा जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में की, उसी ज्ञान की प्राप्ति कल हम यहाँ का मेडिटेशन भी कराएंगे उस ज्ञान को। आप भी आइए, आप भी उस ज्ञान को जानिए, बहन जी को लाइए और भैया भी आए। आप लोग जब ज्ञानी बनेंगे तो, क्योंकि आप लोग आजकल जो मीडिया है वो मीडिया समझ लीजिए कि आजकल आप लोग भगवान का काम कर रहे हैं, मीडिया ही आजकल सब कुछ है। सुबह सुबह सब लोग पेपर पढ़ते हैं बहन,